नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जेक क्नैप और जॉन ज़िराड्स्की की मेक टाइम बुक उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेखकों जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स हैं द्वारा बताए गए रणनीतियां आपको वास्तविक अर्थों में समय बनाने की शक्ति देती है और आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। अपना समय नियंत्रित करने के लिए अभी पढ़ें। क्या आपने ये नोट किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा व्यस्त रहते हैं? वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिजी हैं। जब पूछो तब व्यस्त। और मुझे इस बात का एहसास हुआ, जो लोग सबसे खाली है वही सबसे व्यस्त है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं लेकिन शायद ऐसी चीज पर जो जिंदगी में बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, वो चीज उनकी ग्रोथ में कुछ मदद नहीं करेगी। आज हम इसी बात का समाधान निकालने के लिए एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी आखिर समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, समय प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करें, महत्वपूर्ण चीजों को कैसी प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज दी जाए ताकि हम जीवन में असीमित विकास के साथ आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आज हम मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरीडे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जेक क्नैप और जॉन ज़िराड्स्की ने लिखा है। इस किताब में ऑथर्स ने हमें हमारे समय को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का तरीका बताया है। हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिसे हमें पूरा करने की जरूरत है। ऑथर जेक क्नैप और जॉन ज़िराड्स्की की बताई गई स्ट्रेटजी के साथ आप हर दिन ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। मेक टाइम किताब आपको अपने रोज के कामों में छोटे बदलावों के साथ आपकी जिंदगी में एक्चुअल में जो मायने रखता है उसको करने के लिए समय निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं तो मेक टाइम किताब आपका गाइडेंस कर सकती है। इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर रिएक्ट करना कम कर दें या हो सके तो ध्यान देना ही बंद कर दें। रुकना सीखो, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। हर पार्टी गेट टुगेदर या ज्यादा एक्टिविटीज में जाने से अपने आप को रोके। हर दिन एक हाईलाइट चुनें और इसे प्रायोरिटी के साथ अपनाएं। आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे इतना न इस्तेमाल करें कि वो टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे। ये किताब ज्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में नहीं है बल्कि मेक टाइम यह चुनने के लिए फ्रेम्ड है कि आप किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस किताब में 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे फॉलो करके हम अपने समय से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप सिर्फ एक हाईलाइट चुनना है। दूसरा, इसके बाद आपने जिस हाईलाइट को चुना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना टाइम और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा और आखिरी स्टेप, आपने अपने पूरे दिन में क्या किया है इस पर आपको सोचना है। तो चलिए फिर चारों स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला एलिमेंट, हाईलाइट टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप इसे पूरा होते हुए देखना जरूर चाहेंगे। आप अपने दिन में कौन सी एक्टिविटी पल या अवेलेबिलिटी चाहते हैं उनको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। एक, सबसे जरूरी, आज आपको सबसे जरूरी काम क्या करना चाहिए। 2, सेटिस्फैक्शन, दिन के खत्म होने पर कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सेटिस्फाइड करेगा। 3, जॉय, जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन के हाईलाइट को करने में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगना चाहिए। अब आपको अपनी हाईलाइट्स को चुनना शुरू करना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जो आपकी हाईलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेगी।
उस एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। हर दिन एक अलग हाईलाइट का यूज करना जरूरी नहीं है, आप इसे रिपीट भी सकते हैं। आप उन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाईलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीजों को एक ही हाईलाइट में एक साथ रख सकते हैं। आप उन चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन चीजों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार 5 दिनों तक वही हाईलाइट कर सकते हैं जिसे हर दिन के स्टेप्स में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताइए हैं जिनकी मदद से आप अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकाल सकेंगे। हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए कैलेंडर में एक इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक तारीख देकर एक कमिटमेंट बना रहे होंगे। अपने कैलेंडर में दिए खाली जगह में कुछ भी मार्केट ना करें, ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल आप अपनी हाईलाइट डालने के लिए कर सके। अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह नहीं है, तो उसे खाली करके समय निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी मीटिंग्स या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको सच में सफिशिएंट समय नहीं मिल पाता है, तो अपने आप से पूछें कि क्या कैंसिल किया जा सकता है। कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज के लिए कमिटेड ना हो। जब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ना कहना सीखें। जबरदस्ती हर काम को न करें, हर काम को करने की प्लान बनाएं, वरना आपको लगातार यह तय करना होगा कि आपका अगला स्टेप क्या है, और आप उन चीजों के बारे में सोचते समय अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन के बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं, तो आप अपनी हाईलाइट को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक देर सोने वाले इंसान मानते हैं, तो अपनी रात का कुछ समय अपनी हाईलाइट के लिए दे। आपको जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों को उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफ्ते में समय को बढ़ाने में मदद मिलती है। हाईलाइट को बनाने से आप अपने सभी जरूरी या उन कामों को पूरा कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलेगी। जब आप हाईलाइट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपके काम समय पर होने लगते हैं और आपको बाकी और कामों के लिए ज्यादा टाइम मिलने लगेगा। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले स्टेप हाईलाइट से शुरू करना होगा। दूसरा एलिमेंट, फोकस। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास होती है, लेकिन हम इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं और अपनी हाईलाइट को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान दे सकते हैं। अपनी जिंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने फोन को कंट्रोल करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाईलाइट को टाइम पर पूरा कर सकेंगे। यहां पर इसके बारे में कुछ तरीके हैं। बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे, एक सप्ताह या एक महीने तक आजमाकर देख सकते हैं। अगर आपको सच में इनको इस्तेमाल करने की जरूरत है, तो बस तभी उन्हें इस्तेमाल करें। मतलब यह है कि आपको उन एप्लीकेशंस पर कंट्रोल हासिल करना है जो आप उनको सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करके करते हैं। सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें, ताकि आपको हर बार लॉग इन करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़े। यह एक तरह की ऑब्स्टिकल बन सकता है, क्योंकि यह आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोकता है, और यह आपके डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है। नोटिफिकेशन को आने से बंद करें, ताकि आप भूल सकें कि आपके पास कोई भी ऐप मौजूद है, और इस तरह से अपना ध्यान भटकाने से बचें। अपने फोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को न लगाएं, क्योंकि हर बार जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो एक खाली होम स्क्रीन आपको शांति का समय दे सकती है, क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा। रिस्ट वॉच पहने, ये आपके फोन पर समय पता करने से आपको रोकेगा और आपको फोन के खिंचाव से बचाता है। अपनी कॉन्सेंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं छोड़ सकते हैं, या घर पहुंचने पर आप फोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकेंगे, तो आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे,
जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप उस समय का इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। इसलिए आपको अपनी हाईलाइट के लिए समय निकालने के लिए समय को बर्बाद करने से बचना होगा, जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इन्फिनिटी पूल से दूरी बनाए रखें। इन्फिनिटी पूल मतलब वो खिंचाव या लगाव होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है और आप लगातार बार बार उस काम के लिए अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आपको इन्फिनिटी पूल से दूर ही रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें आपकी मदद करेंगी। अगर आप उन ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो सुबह सुबह आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो फोकस करना आसान होगा। आपको हर दिन न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यह बहुत जरूरी है तो यह आपके पास खुद आएगी। जब आप फोकस कर रहे हो तो अगर हो सके तो इंटरनेट बंद कर दें, जिससे फालतू चीजें दूर रहेंगी। हमसे बहुत से लोग अपने ईमेल में अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए ईमेल को देखने के लिए कुछ जरूरी तरीके अपनाने चाहिए। दिन के खत्म होने पर अपने ईमेल का इस्तेमाल करें और अपना इनबॉक्स देखने के लिए एक समय डिसाइड करें। हफ्ते में एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। ईमेल का जवाब देने में जल्दबाजी न करें। यह जान ले कि अगर यह बहुत जरूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकता है। टीवी को ओकेजनल प्लेजर बनाएं। टीवी देखने से हमारा बहुत सा समय खराब होता है, क्योंकि कोई भी शो आधे से एक घंटे का समय लेता है और हम उसे आधे में छोड़कर नहीं जाते हैं, जिससे वक्त की बर्बादी होती है। इसलिए टीवी को सिर्फ कभी कभी देखने से आपको उसकी लत नहीं लगेगी और आप अपना बहुत सारा समय बचा सकेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। टीवी पर न्यूज को देखने की आदत न डालें। टीवी को कम से कम इस्तेमाल करें। आपको केबल टीवी, HBO, नेटफ्लिक्स को देखने से खुद को रोकना होगा या ऐसी चीजों का इस्तेमाल ही बंद कर देना होगा, क्योंकि इन स्ट्रीमिंग सेवाओं में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको अपनी जिंदगी में फोकस्ड रहने के लिए एक फ्लो बनाना जरूरी होगा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। लोगों को आपको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए हेडफोन्स और बंद दरवाजों का इस्तेमाल करें। पूरा ध्यान देते रहने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। टाइमर का इस्तेमाल करें। यह तरीका आपको यह देखने की परमिशन देता है कि समय बीत रहा है और आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है जो आप कर रहे हैं। कंप्यूटर की बजाय कागज पर लिखने को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर में कई और काम भी होते हैं, इसलिए यह आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फोकस्ड रहें। अगर आप एक बार फोकस्ड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस्ड रहने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको कुछ तरीकों से काम करना होगा जो आपको फोकस्ड बनाए रखेंगे। अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे थे उस पर ध्यान देते रहे, जिससे आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को कमिट करें। जब आप वो काम कर रहे हो जो आप करना पसंद करते हैं तो यह बहुत आसान होता है। रिसर्च से पता चला है कि जब लोग किसी काम से बोर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स को और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं। इसलिए बोर होते रहे। तीसरा एलिमेंट, ऊर्जा। हमारे दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है और वह एनर्जी आपके शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति और फेस टू फेस समय से अपनी बैटरीज चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो आप किसी काम को ज्यादा अच्छे से और पूरे मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने एनर्जी को कस्टमाइज्ड करने के तरीकों को जरूर अपनाना चाहिए। हमेशा मोशन में रहें। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है। आप फिट रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहे और एनर्जी को हासिल करते रहे। हर रोज एक्सरसाइज करें। यह हर रोज वॉक पर जाना या सीढ़ियां चढ़ने जैसी कुछ सिंपल एक्टिविटी हो सकती हैं। सुबह में वर्कआउट करें। एग्जाम्पल के लिए आप 7 मिनट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। असली खाना खाओ। आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्थी जिंदगी दे सकता है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे और न ही आपकी एनर्जी खत्म होगी। आपको हेल्थी खाना खाके ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्थी रखिए और हमेशा पॉजिटिव महसूस करके अपना काम करते रहिए। मछली, पौधे, रेड मीट और नट्स का सेवन करें,
क्योंकि यह एनर्जी को देने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले सैलेड को अपनी प्लेट में डालें और वो भी ज्यादा मात्रा में। फास्टिंग आपको फोकस्ड रख सकता है। ये आपके दिमाग में बदलाव करता है जो आपको ऐसा करने की परमिशन देता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि हेल्थी दिमाग हेल्थी शरीर में रहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका शरीर हेल्थी होगा तब आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। और अच्छा खाना आपको अच्छा शरीर देता है, इसलिए अच्छा खाना खाए और पूरी एनर्जी से काम करें। कैफीन को ऑप्टिमाइज करें। अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफी का इस्तेमाल कुछ सावधानियों के साथ ही करें और बस एनर्जी को हासिल करें। दिन के पहले कप कॉफी को सुबह 9:30 बजे तक ही पिएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय से पहले कॉर्टिजोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तब कैफीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब आप थक जाएं तो एक कप कॉफी पिएं और 15 मिनट की झपकी लें। कैफीन को खून में अब्सॉर्ब होने में समय लगता है और जब आप जागते हैं तो आप आराम महसूस करेंगे। एनर्जी बनाए रखने के लिए आप कॉफी को ग्रीन टी से बदल सकते हैं। कॉफी पीने से अगले दिन नींद और एनर्जी में रुकावट आ सकती है, भले ही आप इसे दोपहर में ही पिएं। कॉफी में चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। हर चीज से अलग हो जाए। आपको एनर्जी को पाने के लिए सबसे पहले खुद से मिलना होगा। मतलब यह हुआ कि आपको अपने आप को कुछ समय के लिए सबसे दूर रखकर कुछ ऐसे कामों को करना होगा जो आपको खुशी देंगे और आप अच्छा महसूस कर सकेंगे। नेचर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि इससे हमारी मेंटल एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है। मेडिटेशन करें, एक ब्रेक लें और अपने हेडफोन्स को घर पर छोड़ दें। इस तरह आपका दिमाग आराम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, ब्रेक लेते समय सोशल नेटवर्क्स तक पहुंचने के अलावा और बाकी काम करके अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। उन लोगों से बात करें जो आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं, और कभी भी टीवी के सामने बैठकर खाना न खाएं। कुछ समय के लिए आपका दिमाग शांत रहेगा तो वो अच्छा सोचेगा। मेडिटेशन करके या नेचर के साथ ज्यादा समय बिताकर बाकी सभी चीजों से दूर रहकर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे जरूर करें। एक गुफा में सो जाओ। सोना मतलब आराम करना, और वो समय जब आपका शरीर रिलैक्स करता है ताकि अगली सुबह किसी थकान के साथ न उठे। आपको लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए सोने के इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सोने से पहले उन चीजों की तलाश करें जो आपको सुकून दें। सोशल नेटवर्क, ईमेल या न्यूज वेबसाइट्स के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे दिमाग की स्पीड तेज होती है। बेहतर नींद के लिए अपने मोबाइल फोन और बाकी डिवाइसेस को अपने कमरे से दूर रखें। सोने से कुछ घंटे पहले घर की रोशनी कम कर दें। एनर्जी को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की झपकी लेना शुरू करें। हफ्ते के आखिरी में नींद के खोए हुए घंटों की भरपाई करने की कोशिश न करें। मतलब आप जब सो नहीं पाए हो तो खाली टाइम में सोकर उस नींद को पूरा करने की कोशिश न करें। सोने के तरीके आपकी जिंदगी को बहुत अफेक्ट करते हैं, इसलिए अपने सोने के तरीकों में सुधार जरूर करें और हर रोज पूरी एनर्जी से अपने काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहे। चौथा एलिमेंट, रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाईलाइट को करने में एबल थे। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि आपकी एक तय की हुई एक्टिविटी साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहे, और क्या आपने इस किताब में दिखाई गई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऑथर्स ने यह लिखने की सलाह दी कि मेक टाइम की स्ट्रेटजीज को अपनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या यह आपके लिए काम करती है या नहीं। उसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपने हाईलाइट को पूरा नहीं कर सके बिताएं तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगले दिन के लिए आप फिर उसी हाईलाइट को रिपीट सकते हैं। आपको हर दिन कुछ नया लेकर आने की जरूरत नहीं है। सिस्टम से ब्रेक लेना और बाद में फिर से वापस आना, ठीक है, यह एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको जिंदगी भर इसको करते रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोशिश करते रहे और अपने रिजल्ट्स हासिल कर ले। चौथे और आखिरी स्टेप में आपको देखना है कि यह किताब आपके कितने काम आई, तो पहले किताब में बताई गई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें और मेक टाइम बुक की मदद से अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। पूरी एनर्जी के साथ काम को करें और अपने रिजल्ट्स तक पहुंचे, और हर उस तरीके को लिखे जो किताब में बताए गए थे और उन्होंने आपकी मदद की। आपको उसके बाद ही सोचना है अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें
और मेक टाइम में बताए गई थॉट्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। दोस्तों, मेक टाइम किताब आपको आपके हर रोज के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है। किताब से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप हाईलाइट बनाकर अपने सभी कामों को खत्म कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। आपको अपनी हाईलाइट पर ध्यान देकर सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरी एनर्जी से काम करना होगा। जो आपको किताब के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में सारे काम समय से खत्म करना चाहते हैं, उन्हें ये किताब मेक टाइम बहुत मदद करेगी और आपको फोकस्ड होकर काम करना सिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब से अपना हर वक्त मैनेज करने के बारे में जाना होगा और ऑथर्स की बताई गई स्ट्रेटजीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके आप अपना काम समय पे और पूरे फोकस होकर कर सकेंगे। दोस्तों, जेक कनैप और जॉन ज़िराट्स्की द्वारा लिखित मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। एवरी डे आपको अपने समय को फिर से प्राप्त करने और अधिक सूझबूझ कर जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक और भरोसेमंद गाइड है। लेखक डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और जो वास्तव में मायने रखते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं, जैसे प्राथमिकताओं को उजागर करना, वातावरण तैयार करना और डेली रिचुअल्स स्थापित करना। आकर्षक लेखन शैली और व्यक्तिगत भलाई पर ध्यान देने के साथ यह किताब अधिक संतुष्टिदायक और उद्देश्य संचालित डेली रिचुअल्स बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये आर्टिकल मेक टाइम बुक की समरी आपको जरूर पसंद आई होंगी। और अगर आप ऐसे ही और बेहतरीन बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।